अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. ओके, द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ जीन इन द डीएनए एंड रिमेन इन द सेम थ्रू आउट द लाइफ. जीनोटाइप क्या होता है? वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होता है उसकी बताते हैं और वो थ्रू आउट द लाइफ सेम रहता है, वो कहलाता है जीनोटाइप. एंड फिनोटाइप जो होता है वो वैसा करे द करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल आर नोन एज फिनोटाइप. जो हमें अभी फ़िलहाल दिख रहा होता है करेक्टर, वो कहलाता है उसका फिनोटाइप. सेम जीनोटाइप प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप. जो सेम जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं सेम टाइप के फिनोटाइप में, लेकिन जो सेम फिनोटाइप होते हैं और नॉट बी बिलोंग टू द सेम जीनोटाइप, लेकिन जो जीनोटाइप फिनोटाइप होते हैं वो ज़रूरी नहीं है जैसे जीनोटाइप हो वैसे ही हों, वो चेंज भी हो सकते हैं. प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एज जेनेटिक मटीरियल. जीनोटाइप जो होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एज ए जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल के फॉर्म में. और जो फिनोटाइप होता है ये क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स एज द एक्सटर्नल अपीयरेंस. मीन्स ये इस तरीके का एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है जो जीन्स में होता है. द जीनोटाइप इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जीनोटाइप जो होता है वो इनहेरिट होता है, मीन्स ट्रांसफ़र होता है पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में, मीन्स पेरेंट्स के उसके चाइल्ड में. द फिनोटाइप इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ये पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होता है. इट कैन बी डिटरमाइंड बाय साइंटिफिक मेथड सच एज द पॉलीमराइज चेन रिएक्शन. इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है? जीनोटाइप को डिटरमाइन किया जाता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से. फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनिज्म. फिनोटाइप को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखकर ही हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. इट इज़ अफेक्टेड बाय जीन्स. ये इसके द्वारा अफेक्ट होता है जीन्स के द्वारा. एंड जो फिनोटाइप होता है इट इज़ अफेक्टेड बाय जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल कंडीशन. ये जीनोटाइप और एनवायरमेंटल कंडीशन से भी अफेक्टेड होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड ग्रुप, आई कलर, हाइट, जेनेटिक डिजीज़. ये सब कैसे एग्जाम्पल्स है? जीनोटाइप के. मीन्स ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, आई कलर क्या है, हाइट कैसी और जेनेटिक डिजीज़ होती है, ये सब के करेक्टर कहलाएंगे जीनोटाइपिकल करेक्टर. एंड फिनोटाइप कैसे होते हैं? जैसे कि हमारा वेट, फिजिक्यू, बेक ऑफ बर्ड्स, ये सब कैसा है? ये है फिनोटाइप करेक्टर. ओके,